जी यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जे एडवांस एक्सरसाइज फंक्शन क्लास 12 जे मेंस एंड एडवांस। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, सेट वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज वन वन इज गिवन बाय। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन होता है तो वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या दिखाना है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो डिफरेंट एक्स पर हर बार डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई देगा, तभी वो वन वन कहलाएगा, अदरवाइज वो वेन वन हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपको दिखाना होता है तो उसका आपको एफ डैश एक्स हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। तो सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए प्लस 2 तो कॉन्स्टेंट ही है, 3 ए हो जाएगा और 10 का 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, इसको आपको पॉजिटिव शो करना है। तो बच्चों अगर आपको उसको पॉजिटिव शो करना है तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप ये बिना एक्स एक्सिस को कट करके निकल जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन का डी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। बच्चों अगर इसका डी नेगेटिव हो गया है तो डी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है हर एक्स पर। इस वाले एक्स पे भी पॉजिटिव है, 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 तो कभी इक्वल टू जीरो तो है नहीं, है ना? ये बात आपकी ध्यान जा रही कि नहीं जा रही है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर ये इक्वल टू जीरो हो भी जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये इक्वल टू जीरो हो भी जाए तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर देगा, यानी ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तब बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों, अभी भी ऐसे बनेगा, बनेगा ना? ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पहले तो ये चेक करिए। इसका मतलब बच्चों अगर हम इक्वल टू जीरो भी ले लें तो भी हमारा काम बन सकता है, लेकिन अगर बच्चों हम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अगर हम ध्यान से देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू जीरो भी आ जाए तो भी हमारा काम यहाँ पर बनने लगेगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो पे भी ये ग्राफ क्या करेगा, सिर्फ एक ही जगह जीरो पर एक यूनिक वैल्यू देगा। क्या देगा, जीरो पर एक यूनिक वैल्यू देगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव पहले करते हैं। तो बच्चों ये हो गया 4 टाइम्स a+2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ये मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। जरा ध्यान से देख रहे सब लोग, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनते रहे। बच्चों 4 पूरे इस क्वेश्चन से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया a² प्लस 4 प्लस 4a, 4 तो मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस का 9a लेस देन 0। 4 बच्चों पॉजिटिव नंबर है, a² - 5a प्लस 4 लेस देन 0, फैक्टर कर लेते हैं, हो जाएगा a-4 a-1 लेस देन 0, यानी a बिलोंग टू 1 से 4। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से 4 में ये क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो भी वहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पर ही अपनी यूनिक वैल्यू देगा, तो हम यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी लगा लेते हैं। ये देखिए इक्वालिटी का साइन लगाते ही बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरवल क्लोज हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आई? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 1 से 4 के बीच में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी सभी को क्लियर है। अगर हमें किसी भी फंक्शन को वन वन दिखाना होता है तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जैसे बच्चों हम डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसका डी नेगेटिव कर देंगे, और डी नेगेटिव करने के साथ साथ जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको दिमाग में जाएगा कि आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में खुद आना चाहिए
कि यार ये इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो होने पर भी ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।